चैनल बंद होने से जनता का सारा रोष और नाराजगी केबल ऑपरेटर पर है। इसीलिए आज पत्र परिषद का आयोजन कर पत्रकारों से संवाद साधते हुए केबल ऑपरेटर सुभाष बांते द्वारा कहा गया कि पे चैनल वितरक द्वारा मूल्य वृद्धि के कारण देश भर में ही पे चैनल बंद है। इस दौरान केबल ऑपरेटर धीरज गवली द्वारा कहा गया है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालय में यह मामला है और जल्द ही इस मामले को कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। मीडिया भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज जो मनोरंजन को लेकर पूरी इंडिया में जो हाहाकार मची है, इसके पहले टीआरआई के चेयरमैन शर्मा इन्होंने 2019 मार्च में टैरिफ 1 लागू किया था, जिसके तहत देश की जनता को यही कहा गया था कि मनोरंजन सस्ता होने वाला है। जबकि हम लोग टैरिफ लागू होने के पहले 2019 के पहले सभी देश के ग्राहकों को 150 से 200 रुपये में पूरा बल्क में पैकेज देखने को मिलता था। आज शर्मा जी के कहने पे टैरिफ इम्प्लीमेशन करके गवर्नमेंट ने इसको ट्राई के माध्यम से और ब्रॉडकास्टर की शॉर्टकट से ये रेट को 350 से 400 रुपये तक के लिया गया है। अभी फिर से 2023 में फिर से वही कहानी दोहरा रहे, टैरिफ 0.3 लागू करके जनता को लूटा जा रहा है टैरिफ के माध्यम से। और पहले ही जनता गरीबी से जूझ रही है, आम आदमी मर रहा है, आप इंसान का इनपुट उत्ता का उत्ता है, व्यवसाय लोगों के बंद हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आज देश के पब्लिक को लूटा जा रहा है मनोरंजन के माध्यम से। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से आप जनता तक के हमारा संदेश पहुँचाए। 350-360 रुपये में यहाँ पर ऐसा हुआ था कि देश में ये लागू करने के पहले ये कहा गया था जनता को कि आप अलाकाटा में अपने चैनल्स ले सकते हैं, जो पसंद के वो चैनल ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये देखा गया कि 1-2 महीने के अंदर ही उन चैनलों की संख्या या उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई कि बाद में उसको ब्रॉडकास्टर ने बुके बनाया। अभी ब्रॉडकास्टर का बुक आप समझ लीजिए, करीब 6 बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे स्टार का पकड़ लीजिए, सोनी का, उसमें लिखा हुआ सोनी है, जी ग्रुप है, उसके बाद में कलर्स के जो ग्रुप है, वाइकम 14 वगैरह ऐसे। तो इन ब्रॉडकास्टर ने अपने अपने बुके बनाए, समझ लीजिए 35 रुपये में स्टार ने अपने 5 चैनल बनाए, 40 रुपये में 7 चैनल बनाए, उसके बाद में 50 रुपये में 12 चैनल बनाए, इस टाइप के उसमें लिखा है बुके बनाए। तो स्टार का बुका अलग, सोनी का बुका अलग, कलर का बुका अलग और बाकी डिस्कवरी इनके बुके अलग, ऐसे पूरे अगर लेते हैं। इस दौरान केबल ऑपरेटर्स द्वारा यह अपील भी की गई है कि यह मूल्य वृद्धि की लड़ाई आपकी ओर से हम लड़ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे एवं संयम बनाए रखे। इस पत्र परिषद में सुभाष बांते, श्याम बर्वे, धीरज गवली, प्रभात अग्रवाल, मजहर शेख, नरेंद्र महेशकर, रोहन पाटिल, राजेश ठाकरे व अन्य उपस्थित रहे। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।